जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुर्सी के लिए अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया, उसी तरीके से तेजस्वी यादव जी खुद को मुख्यमंत्री पद पर देखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों की राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके स्टार शिवम। क्या इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से कल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह कह दिया था कि तेज प्रताप यादव कौन है, वो बस एक पार्टी के विधायक हैं, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव ने भी जगदानंद सिंह पर जोरदार पलटवार किया और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि आ जगदानंद सिंह मेरे पिता से पूछ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव कौन है। आपको बता दें कि जिस तरह से इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके बाद सत्ता पक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार कर रही हैं। इसी क्रम में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में मचे घमासान से एक बात तो साफ हो चुकी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अलाउद्दीन खिलजी के तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुर्सी के लिए अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया, उसी तरीके से तेजस्वी यादव जी खुद को मुख्यमंत्री पद पर देखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों की राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। ये लोग अलाउद्दीन खिलजी को अपना आदर्श मानते हैं और इसीलिए पहले मीसा भारती को दरकिनार किया गया और अब तेज प्रताप जी को हटाया जा रहा है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी को साइडलाइन करके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और ये सपना देख रहे हैं कि बिहार की जनता इनका खिलजी प्रेम देख करके भी इनको मुख्यमंत्री मान लेगी। मैं तेजस्वी यादव जी को बता देना चाहता हूं कि बिहार की जनता आपको समझ चुकी है कि आप खिलजियों को अपना आदर्श मानते हैं और ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता है। तो आपने साफ तौर पर सुना, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं और उनसे यह कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का जिस तरह से बनने का सपना देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी बहन मीसा भारती को भी साइड किया और अब तेज प्रताप यादव को भी साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राजद का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए लालू प्रसाद यादव को भी साइडलाइन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से अब सत्ता पार्टियां भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोल रही हैं, तो क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो इन दिनों राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस विवाद को कब तक खत्म कर पाते हैं? बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद। जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुर्सी के लिए अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया, उसी तरीके से तेजस्वी यादव जी खुद को मुख्यमंत्री पद पर देखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों की राजनीतिक हत्या कर रहे हैं।